नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। कंपटीशन वर्ल्ड में जनता भाग रही है, जनता ग्लैमर के पीछे भी भाग रही है और दिन पर दिन नई नई टेक्निक्स लोगों को पीछे छोड़ रही हैं। बुढ़ापा ये जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच है जिसका एक ना एक दिन तो सबको सामना करना है। लेकिन ये क्या, आजकल तो सभी को बहुत जल्दी है अपना बुढ़ापा देखने में। हालांकि ये सच भी नकारा नहीं जा सकता कि मात्र चेहरे का बुढ़ापा आपको जिंदगी का अनुभव और उम्र के उस पड़ाव का एहसास नहीं दिला सकता। खैर, सोशल मीडिया की बात करें तो इस दौर में फेस ऐप ने भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ये ऐप रशियन ऐप है और लोगों द्वारा इस ऐप को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब तक करीब 12 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं। यूं तो लोग इसका इस्तेमाल कर अपनी बुढ़ापे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इस ऐप को यूज करने में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। ये ऐप खतरनाक साबित हो रही है, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है और तो और अगर आपको ये पता लगेगा कि ये इजाजत उसको किसने दी तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। फेस ऐप, जिसमें अगर आप अपने आप को देखते हैं तो ये ऐप आपको एज फिल्टर के अनुसार बुढ़ापे की तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स इस ऐप में मौजूद हैं, जिसमें आप अपना जेंडर भी चेंज करके देख सकते हैं। फेस ऐप ने इस कदर लोगों को लत लगाई है कि दिन में एक ना एक फोटो खींच कर लोग अपना फ्यूचर देखने के लिए एक्साइटेड हो ही जाते हैं और अपने फोन में इस ऐप को यूज करने लगते हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक सभी के चेहरे पर एज फिल्टर लगाकर देखेगा। ये सब ने देखा कि कौन भविष्य में कैसा दिखेगा। लेकिन यहां पर थोड़े से खतरे की बात यह है कि ये ऐप खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये ऐप डाउनलोड करने से नुकसान क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो फेस ऐप 2017 में ही लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन इंडिया में 2019 में ये सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इससे खतरा इसलिए है क्योंकि फेस ऐप में सेव की हुई तस्वीरें रशिया की बनाई इस कंपनी के सर्वर में जाकर सेव हो रहे हैं। यहां तक कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी ये बोलती है कि आपकी फोटो कहीं भी कभी भी यूज हो सकती है और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस ऐप के द्वारा फोटो खींचकर आप इसकी गैलरी में सेव कर रहे हैं और इसके सर्वर में सेव होने वाली पिक्चर्स को हर 48 घंटे में डिलीट कर दिया जाता है, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन आप चाहें तो ऐप की सेटिंग्स में जाकर ईमेल के द्वारा ये लिख सकते हैं कि आपकी सभी फोटोज को डिलीट कर दिया जाए। तो आप जितना चाहें एज फिल्टर लगा कर इसे आपका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ये रिस्क उठाना भी आप ही के हाथ में होगा, थोड़ा संभल कर। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर से जुड़ी और जो अपडेट आएंगी उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।